हाँ जी प्यारे बच्चों, पहला आपने प्रेजेंट टेंस किया सी पिछली वीडियो दे विच। हुण आपां इस दे विच पास्ट टेंस दीआं किस्मां करांगे सारियां। पास्ट हुंदा है भूतकाल, जो बीत गया। इहदे विच आपां पहला सिंपल पास्ट करांगे, जिहनूं आपां इंडेफिनेट पास्ट भी कह दिंदे आं, पास्ट इंडेफिनेट जां पास्ट सिंपल। ते इहदे विच आपां की है फार्मूला की हैगा बेटा, इस दे विच पहला सबजैक्ट लगदा है, तो उस तो बाद वर्ब की दूजी फॉर्म। पहला आप टेंस करते हैं, समझ लग जूगी थोनू। हुण देखो आ एफरमेटिव है, आई सैंग, उहदे विच आपने की लिखा सीगा, आई सिंग, मैं गाउंदा हाँ। प्रेजेंट दे विच पहली फॉर्म से सैंग, दूजी फॉर्म आ गई। हुण इहदे विच की फार्मूला बन गया अपना, सबजैक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूजी फॉर्म। ये पास्ट के सिंपल दे विच याद रखना भी, पास्ट सिंपल दे विच वर्ब की दूजी फॉर्म लगती है। वी सैंग, असी गाया। यू सैंग, शी ही शी इट सैंग, दे सैंग, यानी कि दूजी फॉर्म है। जिमें आई प्लेड, वो चाहूगा आई प्ले, मैं खेडिया खेडदा हाँ, आई प्लेड, आई लाफड़, आई जंपड़, है ना, इस तरह ये वर्ब की दूजी फॉर्म लगनी है। हुण आपां अगे चलते हैं एफरमेटिव, तो आपां नैगेटिव बनाउणे आ। नैगेटिव मतलब ना वाचक, ना वाचक बनाओ। देखो आई डिड नॉट सिंग, हुण तुसीं कहोगे भी इत्थे सिंग बन गया जी। आ देखो सैंग तो की बन गया अपना सिंग। हुण आ देखो ध्यान नाल, दोने ध्यान नाल वेखो, इत्थे हैगा आई सैंग, इत्थे बन गया आई डिड नॉट सिंग। हुण जदों आपां डिड नॉट ला, जदों आपां नांवाचक लाउणे आ पास्ट दे विच, तां डिड नॉट लाउणे आ, सबजैक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। हुण आ देखो वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, क्योंकि जिहड़ी डिड है बेटे, यह डू की दूजी फॉर्म है। डू की दूजी फॉर्म की हुंदी है, डिड, डू डिड डन, तीजी फॉर्म होती है डन, यदि वर्ब दी फॉर्म आउंदी ने। हुण प्रेजेंट दे विच आपां की लिया सी, डू या डज। हुण आपां पास्ट दे विच की लावांगे, डिड। ये याद रखना भी पास्ट दे विच आपां की लावांगे, डिड। ते जदों आपां डिड लाता फिर वर्ब दी पहली फॉर्म बनावांगे। ये गल याद रखनी भी जिथे डिड लग गया उत्थे वर्ब दी पहली फॉर्म बन जानी है। हुण आपां सारे सेंटेंस करदे आ। आई डिड नॉट सिंग, we did not sing, you did not sing, she did not, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੀ ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿੱਡ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਅਤੇ ਡਾਏ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡੂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਜ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਡਿੱਡ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਡਿੱਡ ਨੋਟ ਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾ ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਆਈ ਸੈਂਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਡ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿੱਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਡ ਆਈ ਸਿੰਗ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਗ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਡਿੱਡ ਆਈ ਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ, ਤਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੰਗ, ਡਿੱਡ ਵੀ ਸਿੰਗ, ਵੀ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡਿੱਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਛੋਟੀ, ਡਿੱਡ ਵੀ ਸਿੰਗ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ, ਡਿੱਡ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਡ, ਡਿੱਡ ਸ਼ੀ ਸਿੰਘ, ਡਿੱਡ ਹੀ ਸਿੰਘ, ਡਿੱਡ ਇੱਟ ਸਿੰਘ, ਡਿੱਡ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ। ਇਹ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼, ਵਰ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਆਈ ਐਨ ਜੀ,
हूँ आई वॉज क्राइंग वी वर क्राइंग इतने वर क्यों लाया इतने वाज क्यों लाया ये तुसी ध्यान रखना है जिहड़ा वी है यू है दे है इहदे तुसी वर दी वरतों करनी है जां बहुवचन आ जाए वाले मुंडे कुड़ियां जां होर होना ज़्यादा होण तो इत्थे वर दी वरतों कादी वरतों वर दी वरतों इस तरह जे एक वचन है तो वाज दी वरतों वाज जां वर दी वरतों ये करनी है। तो आई एन जी की वरतों आई एन जी की वरतों जिहड़ी वर्ब की फार्म पहली नाल ही लगती हुंदी है याद रखना हमेशा कंटीन्यूअस दे विच वर्ब दी पहली फॉर्म नाल आई एन जी लगता हुंदा है कोई भी कंटीन्यूअस है भावें वह प्रेजेंट है भावें पास्ट है भावें वह फ्यूचर है। आई वॉज क्राइंग वी वर क्राइंग मैं चीक रहा सी है ना असी चीक रहे सी है ना तुसी चीक रहे सी जां चीका मार रहे सी वी आर क्राइंग तो इस तरह है। हुण तुसी इहनूं प्रश्नवाचक किवें बणाओगे इसे तो ही तुसी क्वेश्चन मार्क बना सकते हो किवें वाज नूं बस अगे चक लिओ जे आपां इंटरोगेटिव बणाउणा तां वाज आई क्राइंग वाज नूं अगे चक लिओ आई क्राइंग पिछे वग जूगा आई पिछे प्रश्नवाचक बस आपां वाज अगे चक के लिआउणा वाज ते वर ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मार्क बन जूगा वाज आई क्राइंग पिछे प्रश्नवाचक लाउणा नहीं भुलना जदों आपां क्वेश्चन मार्क बणाउणा जदों आपां इंटरोगेटिव बणाउणा तां की बणाउणा हैगा पिछे प्रश्नवाचक नहीं लाउणा भुलना। तो हुण आपां इहदा नैगेटिव चलते हाँ ना वच किवें बनाउणा आपां ने नैगेटिव किवें बनूगा आई वॉज नॉट क्राइंग बस वाज दे नाल नॉट लाउणा बड़ा सिंपल है वर दे नाल नॉट लाउणा है वर दे नाल नॉट ला तां अपने वाज दे नाल नॉट लाउणा है आई वॉज नॉट क्राइंग आई वर नॉट क्राइंग यू वर नॉट क्राइंग तां इह बड़ा सिंपल जिहा नैगेटिव दे विच। हुण आपां अगला टेंस चलते हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ जी अगला अपना है पास्ट परफेक्ट सॉरी पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट कहा सी ना नहीं पास्ट परफेक्ट है पहला प्रेजेंट तो कल वीडियो दे विच करियां सी किस्मां हुण आपां अज कर रहे हैं पास्ट दियां पास्ट आपां सिंपल कर लिया कंटीन्यूअस कर लिया हुण आपां पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं। परफेक्ट मतलब जिहड़ा पिछले समय दे विच पूरा हो गया कम ते प्रेजेंट विच की सी जिहड़ा हुणे हुणे पूरा होयागा कम ते पास्ट दे परफेक्ट दा फर्क की हैगा वी पिछले समय दे विच पूरा होयागा। तां हुण आपां जिहड़ी दियां परफेक्ट दे विच आपां हमेशा तुहानूं मैं दस्सिया सी एक गल याद रखणी वी वर्ब की तीजी फॉर्म लगेगी वर्ब की तीजी फॉर्म जिथे परफेक्ट आ गया भावें प्रेजेंट है भावें वो पास्ट है। हुण इत्थे आपां हैड की वरतों करनी है ये याद रखना हैड तो हुण आपां अगे दे टेंस करन लगे आई हैड स्लैप्ट वर्ब की तीजी फॉर्म आ गई देखो स्लैप्ट कि फॉर्म है स्लीप की स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट आई हैड स्लैप्ट वी हैड स्लैप्ट यू हैड स्लैप्ट दे हैड स्लैप्ट है ना वह सौए सी वह खेडे सी है ना इस तरह मतलब पहला खेड चुके आ खेड चुके सी वह गा चुके सी इस तरह की जिहड़ी सेंस निकलती है भी उन्हें अपना काम पूरा कर लिया सी ही हैड डन हिज वर्क वह अपना पूरा कर लिया सी यानी कि उन्हें पहले ही पास्ट दे विच हैड ते प्रेजेंट विच आपां की लिया सी पहला हैस ते हैव ते पास्ट विच की लावांगे हैड। हुण इस नूं आपां नांवाचक बनाउण लगे आ नांवाचक कियां बनाओगे देखो हैड दे नाल आपां नॉट ला लांगे बस बड़ी सिंपल जी गल आई हैड नॉट स्लैप्ट वी हैड नॉट स्लैप्ट यू हैड नॉट आपां हैड दे नाल नॉट लगाता। हुण आपां चलदे आ इंटरोगेटिव हुण इंटरोगेटिव किड्डा सौखा है इंटरोगेटिव वास्ते मैं तुहानूं अगे लैके चलदी हाँ एफरमेटिव विच। हुण इस तो ही तुसीं आ देखो इंटरोगेटिव का मतलब की हुंदा प्रश्नवाचक की हुंदा गा ये गल याद रखनी है। तो हुण इहदे विच आपां पहले तो बनाओ देखो इंटरोगेटिव हुण इहनूं इंटरोगेटिव आपां किवें बनावांगे हैड नूं अगे चक लिओ हैड आई सिलैप्ट पिछे प्रश्नवाचक हैड वी सिलैप्ट यानी कि जो हैल्पिंग वर्ब है उहनूं आपां अगे चक लियावांगे। हुण इहदे विच आई कीता होया देखो हैड आई सिलैप्ट हैड वी सिलैप्ट हैड यू सिलैप्ट हैड यानी कि हैल्पिंग वर्ब नूं आपां अगे चक लियावांगे तां उह प्रश्नवाचक बन जांदा है। ते पिछे देखो क्वेश्चन मार्क दी निशानी लगी हुई है ये लाउणी आपां जरूरी है भी क्वेश्चन मार्क लाउणा है ही जरूरी है इंटरोगेटिव दे विच। तां अगला आपां चलदे हां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट ना आ गया बेटे अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुण ध्यान नाल देखणा इहनूं ए आ देखो ये दोनों ही आ गई कंटीन्यूअस भी आ गया परफेक्ट भी आ गया। तो पास्ट परफेक्ट दे विच की हुंदा है हैड बीन बीन आप जो प्रेजेंट दे विच भी बीन लाया सी ना
पर उहदे नाल आपां हैज़ ते हैव लगाया सी, इहदे नाल आपां हैड लावांगे। जदों पास्ट दी गल आ गई तां वर्ब दी पहली फॉर्म नाल आई एन जी, क्योंकि कंटीन्यूअस है। ये भी आपां याद रखना, जिथे कंटीन्यूअस आ गया उत्थे वर्ब दी पहली फॉर्म नाल आई एन जी लगदा हुंदा। हुण आपां इहनां दे आपां जदों बणावांगे टेंस, जिवें उह सवेर तों खेड रिहा सी, दो घंटे तो वर्खा हो रही सी, इस तरह की भी सेंस है। ये आप सिंस ते फार की वरतों भी कर सकते हैं। हुंदी ये सिंस फार की वरतों मैं तुहानूं दस्सिया सी, जिवें आई हैड बीन राइटिंग, मैं सवेर तो लिख रहा सी, यानी कि सिंस जां फार की वरतों इह च हुंदी है। सिंस मॉर्निंग, वी मैं मॉर्निंग तो लिख रहा सी, सवेर तो ही लिख रहा सी। वी हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन लग्या होया, देखो हैड बीन, हैड बीन। ये देखो नॉट कित्थे लाउणा, हुण आपां जदों नैगेटिव चेंज करना है, भी नैगेटिव बनाउणा तां नॉट इहदे विच विच आ गया, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, है ना, नॉट इत्थे आ गया। तां बी नॉट लाउण वेले याद रखना भी बीन तो आपां पहलां लाउणा हैगा नॉट। हुण अगे चलदे हां, तां इह तुसीं जिहड़े टेंस ने बेटा, टेंस ने